नगर जनपद के खड्डा क्षेत्र अंतर्गत बाहर से कमाकर अपने घरों को आने वाले लोगों में कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षण मिलने के कारण जहां खड्डा तहसील क्षेत्र के लोग खौफ जदा है, वहीं ग्राम सभा सोहरोना में एक व्यक्ति में लक्षण मिलने और सीएससी तुरकहा द्वारा जिला चिकित्सालय रेफर करने के बाद बिना चेकअप के अपने गाँव वापस आने पर पूरे गाँव में दहशत फैल गई है। साथ ही रामपुर जंगल निवासी दो व्यक्तियों को अपने कहे अनुसार चिकित्सक ने संदिग्ध मान जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। बता दें कि खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सोहरोना में वीरेंद्र पुत्र जंत्री उम्र 38 वर्ष शुक्रवार को मुंबई से कमाकर अपने घर लौटा था। अचानक उसकी तबीयत खराब हुई तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकहा इलाज के लिए गया, जहां चिकित्सक ने उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया, जहां वह बिना जांच कराए ही अपने घर आ गया। उसके घर पहुंचते ही पूरे गांव में कोरोना वायरस फैलने की आशंका लोगों में घर कर गई। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष खड्डा रामकृष्ण यादव ने पुनः उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकहा पर ले गए, जहां से चिकित्सक ने उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। साथ ही ग्राम सभा रामपुर जंगल निवासी सोनू चौधरी पुत्र दयानंद चौधरी राम समुझ पुत्र धारी दोनों व्यक्ति जयपुर से कमाकर अपने गांव आए थे। तबीयत खराब होने पर वह रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा पर आए, जहां चिकित्सक अरविंद कुमार ने उन्हें संदिग्ध मानते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार का कहना है कि हां, मरीज आए थे, यहां पर सुविधा ना होने के कारण उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। साथ ही पुलिस द्वारा लाए गए वीरेंद्र को भी जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। संदिग्ध कोरोना फैलने की खबर मिलने से पूरे तहसील क्षेत्र के गाँव में दहशत फैल गई है। मैं अस्पताल में गया, वहाँ जब मैं दवा कराने के लिए बोला तो लोग क्या बोला कि ऐसा तुमको मैं डायरेक्ट रिफर कर देता हूँ और वहाँ पे जाओ। मैं जब पड़ावना में गया तो पड़ावना डॉक्टर जो कि हमको इंजेक्शन और दवाई दी, बोले तुमको कुछ नहीं हुआ, सांस वगैरह रुकवाओ के सब देखी। देखने के बाद में वहाँ क्या बोले कि तुमको कुछ नहीं हुआ और उसके बाद से तुम यहाँ से घर चले जाओ। हम बोले नहीं, हमारा स्क्रीन करा दीजिए। वो बोले सुबह तुम 108 नंबर एम्बुलेंस लेने का और जो कि फिर मेरे अस्पताल में आने का 10 बजे तक मैं करा देगा तुम्हारा। जब मैं एम्बुलेंस के लिए यहाँ से अपना अस्पताल में गए ये यहाँ एक मरा हुआ था, तुम यहाँ से घर जाओ, घर से एम्बुलेंस लेकर फिर कल आने नहीं। वहाँ के बाद मैं घर आया और एम्बुलेंस के फिर गया तो एम्बुलेंस बोला कि हम नहीं जा सकते यहाँ। तो हमारे खड्डा ब्लॉक के कोई भाई पत्रकार जी थे वहाँ पे, तो वो पूरे एड्रेस पता पूछे और पूछने के बाद में हमको वहाँ से ले की बोले कि भैया तुम घर जाओ। तो मैं बोला ठीक है, आज जा रहा हूँ, कल मैं बोले कि पढ़ाना बंद रहेगा आज और सुबह तुम अपना कोई साधन उठाने का और चले जाने का। तो हमको ये था कि मैंने हमारे अंदर तो कुछ था नहीं, पर फिर हाल मैं सोच लिया कि चलो कम से कम घर परिवार और गांव का देखने के क्षमता से अपने बचाने की वजह से मैं किसी को परेशानी नहीं डाल सकता। अच्छा, वहां से जब आए तो किसी को बोल के आए? कहां से? पड़ावना चिकित्सालय से। पड़ावना चिकित्सालय से डॉक्टर साहब खुद भेज दिए, हम खुद भेजे, खुद भेजे। दवा कराए हैं तो उस पर पर्ची तो होगी ना? हाँ, पर्ची हमारे पास पूरा दवा और पर्ची पूरा मौजूद है। वो खुद भेजे कि इंजेक्शन लगाए और बोले कि अब घर चले जाइए, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है आपको, आपके अंदर कोई बीमारी कोई नुकसान कोई नहीं है, ना हमको खांसी आ रहा है, ना मेरा गला सूख रहा है, ना हमको बुखार है, बस एक मरने की अवस्था से मैं जो कि थोड़ा मेरा शरीर कंप उठा था। तो ऐसा क्या आपको डर हो गया था कि जैसे लग रहा था कि आपको वायरस के शिकार हो चुके हैं? जैसे मेरा भाई बाजू है, उनका इंतकाल हुआ चटपट में, तो हमको लगा कि ये बात कैसे हो गया, कुछ नहीं हुआ था, दूसरा कोई हमारे अंदर परेशानी और कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी एक मामला चल रहा है जैसे कि उसको कहा जा रहा है कोरोना वायरस की संभावना है और कल आपके पास इलाज कराने के लिए आया था, तो क्या हुआ उसके बाद? मैं तो कल आया, दिन में आया, डॉक्टर साहब बैठे थे और वो दवा लिखे हैं और दवा लिखने के बाद उसे दिया गया है और चला गया है, तो हल्का फुल्का कुछ दिक्कत था चला गया है और वो मुंबई से आया हुआ है जी। तो वो गया घर, सुबह दवाई लिखी गई, फिर शाम को आता है 6:30-7 बजे के लगभग, फिर आया मेरे पास, कहा कि और चेस्ट पेन होने लगा है, गले में और खराश और दिक्कत दर्द होने लगा है। तो आने के बाद फिर कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ करिए, मतलब मेरा इलाज करिए। हम कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये दवाई तो दवा दिखाओ, तो जो दवाई दिया गया था वो दवाई पूरी दवाई उसी के पास पड़ी हुई है। एक भी दवा खाया नहीं था? नहीं, कोई नहीं, मतलब कोई भी दवाई खाया नहीं था, केवल एक DSR गोली, जो गैस की दवाई, बस वही खाया, पेंटाप DSR केवल एक गोली, पूरी दवाई उसके पास अवेलेबल, सारी मेडिसिन उसके पास पड़ी हुई। तो हम कहें इसे दवा खाओ, दवा खाने के बाद तुम अभी मैं तुम्हें जिला अस्पताल भेजूंगा, तुम जिला अस्पताल जाना और वहां से तुम्हें स्क्रीनिंग करवाना और अपना जो भी टेस्ट होगा वो अपने हिसाब से वो लोग करेंगे जिला अस्पताल वाले।
उसके बाद से फिर इसे हम एम्बुलेंस दिलवाए, आधे घंटे बाद हो गया, तैयार हो नहीं रहा था, बहुत ज़बरदस्ती तैयार किया गया क्या वो, मतलब मैं तो बोल चुका था तुम चले जाओ, तुम अपनी व्यवस्था अगर हो तो अपनी व्यवस्था चले जाओ, तुम्हें एक सवार दिलवाते हैं एक सवार से चले जाओ। तो मतलब वो सोच विचार के आया, फिर कहा कि डॉक्टर साहब रिफ़र करिए मैं जा रहा हूँ, तो जिले अस्पताल में भेज दिया। आपने जिला अस्पताल रिफ़र कर दिया? रिफ़र कर दिया। और जिले अस्पताल रिफ़र करने के बाद वो रात में गया है, और पुरानी पर्ची भी उसी के पास है, कल वाली और आज का पर्ची। और तो फिर सुबह आया है तो वो बोल रहा है कि फिर आइए, मतलब आया है फिर रिफ़र कराने के लिए आया है, इलाज नहीं फिर रिफ़र। कल रिफ़र होने के बाद वहाँ गया इलाज कराने के लिए, वहाँ से वापस चला, निकल आया, इलाज नहीं कराया, फिर आकर सुबह आया, नहीं इलाज करवाया कि नहीं करवाया, लेकिन पुरानी पर्ची वहाँ पर जमा हो जाती है जी, वहाँ की फिर पर्ची बनती है, वहाँ की पर्ची इसके पास है नहीं, और पता नहीं कहाँ से भाग के आया या क्या करके आया, इसके बारे में कुछ भी। ये मरीज कहाँ आपको मिला था? ये मरीज यहीं पे आया था। किस ग्राम सभा का बता रहा है? ये सोरौना का है। सोरौना का बता रहा है। कई रोज पहले ये बॉम्बे से आया था? ये परसों, दो दिन हो गया आए हुए, और कल आपके पास आया? कल आया दिन में, लेकिन डॉक्टर साहब देख रहे थे। तो पुनः जब पर्ची वहाँ जमा हो जाती है, फिर ये कल आया, आज सुबह आया, फिर पर्ची बनवा, फिर रिफर की मांग कर रहा था कि मुझे रिफर कर दिया जाए। इसके लिए भी बात हुई थी 108 पे, लेकिन 108 वाले पता नहीं क्या आपने उच्च अधिकारी से क्या बात किए हैं, उसके बारे में मैं नहीं जानता। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी? कोई जानकारी नहीं।